हेलो दोस्तों, ये मेरा पाइथन का 8th लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस क्लास में बाइट्स डेटा टाइप के बारे में बताया था, और मैंने बताया था बाइट एरे डेटा टाइप के बारे में। तो मैंने बाइट्स डेटा टाइप में बताया था कि जो इसमें जो जो वैल्यू अलाउड है वो 0 to 256, मीन्स 0 के बाद, मीन्स 1 2 3 4 से लेकर 255 जो डिजिट है वही सिर्फ अलाउड है किसमें, बाइट्स डेटा टाइप में। और एक और बात है, यदि हम इससे ज्यादा वैल्यू को डालें, जैसे 256, 257, 258, तो क्या करेगा, ये एरर अगर करेगा। ओके, तो कंक्लूजन वन क्या था, द ओनली अलाउड वैल्यूज फॉर बाइट डेटा टाइप आर 0 to 256 इफ वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एनी अदर वैल्यू देन वी विल गेट वैल्यू एरर। ओके, तो जो इसमें जो डिजिट्स अलाउड है वो 0 to 256, और एक क्या है, वी कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू अदरवाइज यू विल गेट टाइप एरर। तो मैंने बताया था कि जो बाइट्स डेटा टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, किस नेचर के होते हैं, वे इमुटेबल नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये है, यदि ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट हो जाए, ओके, तो उसके बाद हम किसी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यही है कंक्लूजन टू था, वंस वी क्रिएट बाइट्स डेटा टाइप वैल्यू वी कैन चेंज इट्स वैल्यू अदरवाइज वी विल गेट टाइप एरर। ओके, और बाइट एरे डेटा टाइप में मैंने बताया था कि ये जो क्या है एग्जैक्टली सेम है किससे, बाइट डेटा टाइप से। बट इसमें क्या है, ये जो है वो क्या मोटेबल नेचर का है, इसका इसी के एलिमेंट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो चलते हैं प्रोग्राम में, और इसको थोड़ा सा जो प्रीवियस क्लास का है वो थोड़ा मैं रिवीजन करवा देता हूँ। तो मैं एडिटर को ओपन कर लिया। तो कल मैंने बताया था दोस्तों कि एक एरे है, जैसे एक मान लेते हैं ये एरे ही है। ओके, ऐसे तो यहाँ पर यदि हम स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करते हैं पाइथन के अंदर, वो तो क्या है, वो लिस्ट है। ओके, तो ये जो एरे था उसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए, बाइट्स में। ओके, बाइट डेटा टाइप में, और बाइट डेटा टाइप में कन्वर्ट करके उसको बी एक नाम का वेरिएबल में स्टोर कर दिए। और मैंने क्या किया, अब इसका देखना है कि टाइप ए क्या है। तो टाइप बताएगा क्या है, ए किस टाइप का है, बाइट बाइट टाइप का है। और मैंने फिर क्या कर दिया था, इंडेक्स, जैसे 0 इंडेक्स पे क्या है वैल्यू 10, और लास्ट इंडेक्स के लिए हमें क्या करना होता है, -1, -1 ये हुआ इंडेक्स हुआ, उसके बाद -2, -3। यदि हम पीछे चलेंगे तो -1, -2, -3, यदि आगे चलेंगे तो 0 1 2 3। ओके, और फिर मैंने क्या किया था, एक लूप चला दिया था फॉर आई इन बी, जो ए जो एरे स्टोर हो रहा है वो किस में स्टोर हो गया, बी में स्टोर हो गया, क्योंकि बाइट्स ऑफ एक्स की है। ओके, तो प्रिंट क्या करता है, देखिए यहाँ पे दोस्तों, एक क्लास किस टाइप का है, बाइट्स टाइप का है, 10 255, 10 20। देखिए यहाँ पे 10, पहले तो 0 इंडेक्स प्रिंट किया तो क्या आ गया, 0 इंडेक्स पे 10 आ गया, फिर -1 का मतलब क्या हुआ, हो गया 255, और फिर लूप चलाएं और ये जो पूरा एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो देखिए 10 20 30 255, यदि इसमें हम 256 लेते हैं, 258 ले लेंगे, तो क्या मैंने बताया 0 to कितने अलाउड है, 0 to 256, मीन्स 255 के कैरेक्टर अलाउड होंगे, 256 भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि 0 to इसके बीच में होना चाहिए। यदि हम इसको रन करते हैं देखिए क्या आएगा, देखिए क्या गया, बाइट्स मस्ट बी इन रेंज 0 to 256। हाँ, अब ये मैंने बताया था बाइट डेटा टाइप के बारे में, ये क्या है, इमुटेबल है, इसके इसके जो इसके कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसके एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन यही हम बाइट एरे में चलेंगे, जैसे इसको हम कन्वर्ट कर दिए बाइट एरे में दोस्तों। और यदि हम चाहते हैं कि इसके जो एलिमेंट हैं, जैसे बी में जाकर स्टोर होता है, बी ऑफ 0, 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हम 100 कर दें। ओके, अब देखिए दोस्तों क्या होता है, इसको रन करेंगे हम, देखिए ये क्या रहा है, बाइट मस्ट बी इन रेंज 256। तो बाइट का भी जो रेंज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 to 256, बाइट और बाइट्स अरे दोनों का साइज जो है 0 to 256 के बीच में होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे आप कर देते हो 255। ओके, तो देखिए ये रन कर जाएगा, यहाँ पे रन कर गया। और मैंने क्या बताया, यहाँ पे ये क्या हो, बाइट एरे में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या है, इमुटेबल नेचर का, इसका मतलब एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बाइट के केस में ऐसा नहीं था। तो देखिए ये 100 को मैंने किस इंडेक्स पे किया, 0 पे। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ बी, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या आया, सबसे पहले मैं 0 ये जो है टाइप टाइप को प्रिंट किया, तो बाइट एरे टाइप का हो गया ये। और पहले मैं क्या गया, बी के 0 इंडेक्स को प्रिंट किया, तो 0 इंडेक्स पे क्या था, 10 था ये, तो अब क्या हो गया, क्योंकि बी के 0 इंडेक्स में मैंने क्या इंसर्ट किया, 100, तो अब क्या आ गया, 100 आ गया। और माइनस इंडेक्स का मतलब, -1 का मतलब क्या, पीछे से, तो 255।
और मैं क्या कर रहा हूँ, लूप चलाकर पूरा बीच में जितने एलिमेंट उसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो जीरो इंडेक्स पे क्या आ गए थे यहाँ पे, मैं आइटम को इंसर्ट किया दिया था, तो 100। तो अब देखिए 100 आया ना सबसे पहले, उसके बाद 20, 100, 20, 30, तो 25। अब देखिए यदि हम यहाँ पे बाइट रहेगा, बाइट एरे की जगह बाइट, तो इसमें मैंने बताया था क्या, ये इमुटेबल नेचर का है, तो इसमें जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुआ। देखिए इधर खतर करेगी, देखिए यहाँ क्या आ गया, बाइट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ओके तो कल की इस कल जो प्रीवियस लेक्चर था, मैंने बाइट और बाइट बाइट्स और बाइट एरे के बारे में बताया था। जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है लिस्ट। तो शेयर स्क्रीन करते हैं नोट पैड पे। तो देखिए दोस्तों लिस्ट डेटा टाइप, जो लिस्ट डेटा टाइप होता है, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज एज ए सिंगल एंटिटी वेयर इंसर्शन ऑर्डर इन ऑर्डर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व एंड डुप्लीकेट्स आर अलाउड, देन वी शुड गो फॉर लिस्ट। इसका मतलब ये दोस्तों है, दोस्त है कि यदि ग्रुप ऑफ वैल्यूज है और ग्रुप ऑफ वैल्यूज में जो वैल्यू हो वो डुप्लीकेट भी हो, नहीं किसी टाइप का हो, जैसे 10 10 10, मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू भी हम यूज कर सकते हैं किसके अंदर, लिस्ट के अंदर भी। और यहाँ बोल रहा है इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड, इसका मतलब ये है कि यदि जीरो इंडेक्स पर 10 यदि हम वैल्यू डाले हैं और यदि हम उसके जगह पे किसी और वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं, ओके, या मान लेते हैं लिस्ट के अंदर 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू मान लेते हैं 10 20 30 है, ओके, और यदि कोई एलिमेंट इसमें हम और ऐड करना चाहते हैं, मीन्स अपेंड करना चाहते हैं, तो ये जो होगा ये किसके बाद आएगा, 30 के बाद ही एलिमेंट ऐड होगा। और यदि 30 के बाद यदि मनीष आ गया, मान लेते हैं आप मनीष मान लो यहाँ पे आप मनीष, तो जो नेक्स्ट अपेंड वैल्यू करेंगे वो मनीष के बाद आएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, ये नहीं है कि आप मान लेते हैं एक वेरिएबल को, मीन्स एलिमेंट को यदि आप बी के अंदर स्टोर कर रहे हो और बी डॉट अपेंड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि जो मनीष वैल्यू है कहीं पे चला जाए, ये नहीं है कि 20 के आगे आ जाए या 30 के आगे, ऐसा नहीं होता है। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व का मतलब है उसके बाद ही एलिमेंट ऐड होगा यदि आप अपेंड करते हो तब। चलिए और क्या मैंने बताया इसमें, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड और डुप्लीकेट वैल्यू ऑल्सो अलाउड, मीन्स 10 20 10 एक और भी ले लेंगे या मल्टीपल टाइम्स लेंगे एक ही एलिमेंट को, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है लिस्ट में, ओके। तो मैंने बताया कि यदि ग्रुप ऑफ वैल्यूज जो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस टाइप के हों, ओके, और यदि उसे हमें स्टोर करना हो तो हम किसे प्रेफर करेंगे, लिस्ट डेटा टाइप को प्रेफर करेंगे, ओके। तो अब हम चलते हैं एडिटर पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले देखिए यदि जो लिस्ट होता है, LST ले लेते हैं नाम लिस्ट का, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो ये ऑपरेटर है ना, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें मान लेते हैं एलिमेंट जो है 10 20 30 है, ओके। और मैंने क्या बताया, इंसर्ट ए डुप्लीकेट्स आल्सो अलाउड, और मैंने क्या बताया इसमें, ये जो है जो हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस का मतलब जानते हैं दोस्तों कि किसी टाइप का, मैंने मीन्स है कि आप इसमें स्ट्रिंग वैल्यू सब कुछ भी ले सकते हो आप, ओके। तो मान ये मैं पहले डाल दे रहा हूँ, ये यहाँ पे क्या हो गया, 10 है एलिमेंट 10 है, तो ये क्या हो गया, एक ही वैल्यू क्या हो गया, मल्टीपल टाइम्स हो गया, तो एक डुप्लीकेट हो गया। और मैं यदि प्रिंट करता हूँ लिस्ट को, प्रिंट ऑफ व्हाट, LST, तो ये तो प्रिंट कर देगा 10 20 30 और 10, देखिए यहाँ प्रिंट कर देगा ये। और ये मैं चाहता हूँ कि किस टाइप का है, तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ वाट, एक इसमें LST किस टाइप का, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट टाइप का है, आ गया ना, एक किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का है। और देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया, यदि हम इसमें जो ये लिस्ट है उसमें यदि हम चाहते हैं कि मनीष को ऐड करना चाहते हैं, ओके, टी डॉट अपेंड, देखिए यदि हमें इस एरे के अंदर, इस लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट को ऐड करना हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, अपेंड यूज करते हैं। तो अपेंड क्या करते हैं, यदि हम मनीष को इसमें ऐड करना है तो मनीष लिख देते हैं यहाँ पे डबल कोट मनीष, ओके। अब देखिए इसे प्रिंट करवाते हैं लिस्ट को, प्रिंट ऑफ LST, देखिए LST, देखिए प्रिंट कर रहा है, आ गया ना 10 20 30 10 20 30 10, उसके बाद क्या आ गया, मनीष आ गया ना यहाँ पे,
ऐड यदि कोई भी यदि एलिमेंट ऐड करना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, अपेंड यूज करते हैं। ओके दोस्तों, ऐड करने के लिए क्या यूज करेंगे, अपेंड। और यदि एक और ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली LST.APPENDOF मान लेते हैं, रवि ऐड करते हैं या साई ऐड करते हैं, साई। तो देखिए ये मनीष के बाद आएगा, ये यदि हम इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट ऑफ व्हाट LST, देखिए इसे डन करते हैं, देखिए क्या आ गया, पहले तो आया था 10 20 30 10 मनीष, जब मैं यहाँ पे प्रिंट लिस्ट किया था, और इसके बाद क्या आ गया, साई, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ किसको, साई को, इस लिस्ट में, यहाँ पे आ गया दोस्तों साई। तो जो लिस्ट होता है वो मैंने बताया कि ये होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस दोनों को ये इसमें आप स्टोर कर सकते हो। ओके, और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ, होमोजीनियस का मतलब ये है कि यदि आप लिस्ट के अंदर सिर्फ इंटीजर ले रहे हो तो सिर्फ इंटीजर कोई सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग, एक फ्लोट, लेकिन जो लिस्ट है उसके अंदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस नेचर के एलिमेंट को आप स्टोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तो 10 20 30 10 था, लेकिन इसमें और हमें यदि स्ट्रिंग एलिमेंट को भी ऐड करना हो तो यहाँ पे क्या ऐड हम कर सकते हैं, मीन्स ये जो है यहाँ पे जो 10 था इसके बगल में हम साइन भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे आप बोल सकते हैं ना कि जैसे LIST एक मैंने लिस्ट ले लिया और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 और होमो हेट्रोजीनियस टाइप का, मीन्स यहाँ पर लिख दिया मनीष। ओके, और मैं कर दे रहा हूँ इसे भी प्रिंट, प्रिंट ऑफ व्हाट लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर LIST मैंने लिया है ना, तो ये नहीं कि LIST यहाँ पर लिखे और यहाँ पर LST लिख दें, तो ये क्या ऊपर वाला को प्रिंट करेगा, जो लिस्ट नाम का जो बना हुआ है ना LST नाम का लिस्ट। अब देखिए इसको रन कीजिए, देखिए यहाँ पे आ गया ना 1 2 मनीष, इसका मतलब क्या है, जो लिस्ट है वो हेट्रोजीनियस एलिमेंट को भी सपोर्ट करता है और ये डुप्लीकेट वैल्यू को भी सपोर्ट करता है, जैसे 1 2 मनीष और 1 यहाँ पे लिख दिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए रन करवाते हैं, ये क्या आ गया 1 2 मनीष 1। ओके, और इसमें दोस्तों यदि हमें किसी कंटेंट मीन्स जैसे ये लिस्ट बनाए हैं और इसमें यदि हमें मनीष को रिमूव करना हो तो हम सिंपल क्या करेंगे, LIST.remove, रिमूव ऑफ व्हाट, इसको रिमूव करना है मनीष को, तो मनीष यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए प्रिंट करेंगे किसको, लिस्ट को, क्योंकि ये लिस्ट के अंदर रिमूव कर रहे हैं, जो ये जो है ना इसके अंदर मैं रिमूव कर रहा हूँ LIST। अब देखिए क्या प्रिंट करेगा, मनीष को हटा देगा, 1 2 1 प्रिंट करेगा, इस चीज को आप हटा दीजिए ये हर टाइम डिलीट। ओके, और इसको आप क्लियर कर दो क्योंकि स्क्रीन पर जो दिखेगा ना वो आप देखिए क्या गया दोस्तों, पहले सबसे पहले मैंने प्रिंट किया लिस्ट को तो 1 2 मनीष 1 आया, और मैंने जब रिमूव कर दिया तो क्या प्रिंट आ रहा है, 1 2 1, इसका मतलब क्या है, मनीष को इस लिस्ट से रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के लिए यदि आपको इस एलिमेंट में कोई भी जो एलिमेंट है उसको रिमूव करना हो तो डॉट रिमूव यूज कर लेंगे, और यदि ऐड करना हो तो यूज करके क्या कर लेंगे, अपेंड यूज कर लेंगे। यदि और मान लेते हैं यहाँ पे अपेंड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें और मनीष, जैसे 1 2 मनीष 1, उसके बाद क्या आ जाएगा, मनीष आ जाएगा, देखिए आ क्या आ गया 1 2 मनीष 1 मनीष। ओके, तो मैंने बताया लिस्ट जो होते हैं वो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, मीन्स हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, इसमें आप स्ट्रिंग वैल्यू को भी डाल सकते हो, फ्लोट को भी डाल सकते हो, इंटीजर वैल्यू को भी डाल सकते हो। ओके, और इसमें जो इंसर्शन ऑर्डर होता है वो प्रिजर्व होता है, प्रिजर्व होता है, इसका मतलब यदि एलिमेंट को आप अपेंड करोगे तो जब जितना लिस्ट बना हुआ उसके बाद ही आएगा, जैसे 1 2 मनीष 1 था, यदि आप अपेंड अब कर रहे हो तो 1 के बाद ये एलिमेंट ऐड होगा, ऐसा नहीं है कि ये अपेंड किया तो ये जो मनीष है वो कहीं पर ऐड हो जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो इंसर्शन ऑर्डर जो लिस्ट के अंदर है वो क्या है, प्रिजर्व्ड है। ओके, तो मैंने बताया आपको लिस्ट में बता दिया कि हेट्रोजीनियस, तो अब चलते हैं स्लाइड पे और मैं एक कंटेंट को आपको शेयर करता हूँ। देखिए तो ये जो इंसर्शन ऑर्डर क्या है, मैंने बताया प्रिजर्व रहता है, इसमें लिस्ट के अंदर हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, मींस किसी टाइप के आप ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, चाहे वो फ्लोट हो या स्ट्रिंग हो या कॉम्प्लेक्स टाइप का हो। डुप्लीकेट्स आर ऑल्सो अलाउड, मीन्स डुप्लीकेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 10 मल्टीपल टाइम आप यूज कर रहे हो, ग्रोवल ग्रोवेबल इन नेचर, इसका मतलब है ये जो लिस्ट है उसमें आप रिक्वायरमेंट, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है कि यदि लिस्ट के अंदर किसी चीज को और ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, ग्रोवेबल का मतलब क्या, रिमूव भी कर सकते हो और
ऐड भी कर सकते हो, वैल्यू शुड बी इनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो कैसे पता चले एटलीस्ट में, तो यदि हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि क्या है जो यूज कर रहे हैं डेटा टाइप, वो क्या क्या यूज कर रहे हैं, लिस्ट यूज कर रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों टपल पे। अब देखिए दोस्तों एक और मैं बताता हूं कि जैसे मैंने बताया था स्लाइसिंग के बारे में कि हमें यदि चाहते हैं कि जीरो से लेकर पूरा प्रिंट करे, ये जो लिस्ट है वो पूरा प्रिंट कर जाए, तो सबसे पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो लिस्ट है वो पूरा प्रिंट करे विदाउट यूजिंग प्रिंट। जैसे मैं तो पहले प्रिंट लिस्ट करूंगा तो पूरा प्रिंट कर ही देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि बिना ये जो ये है ना प्रिंट लिस्ट बिना यूज किए हुए आना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, सिर्फ कोलन आपको यूज कर देना है ऐसे, ओके, और क्या कर देना है यहाँ पे प्रिंट। देखिए ओके अगेन दोस्तों 1 to 1 is 1, और यदि हम चाहते हैं कि 0 इंडेक्स से लेके 2 इंडेक्स तक प्रिंट करे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 to 3। यदि 2 तक करना है तो क्या देंगे, जो है मेरा ए होगा स्टार्टिंग विथ 0 और एंडिंग, यदि 0 1 2 को प्रिंट करना हो तो यहाँ पे क्या देंगे डेस्टिनेशन पे 3 देंगे। तो कहाँ तक प्रिंट करेगा, ये जो होता है 3 एन माइनस 1 मीन्स 2 तक प्रिंट करेगा, मीन्स 1 to Manish ये प्रिंट करेगा। देखिए 1 to Manish किया ना, यदि हम 4 करते हैं तो कहाँ तक प्रिंट करेगा, 0 1 2 3 तक करेगा, तो ये पूरा एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। देखिए आ गया ना, यदि हम चाहते हैं लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए तो क्या करेंगे, -1 यूज कर देंगे, क्योंकि जो -1 होता है वो पीछे से स्टार्ट होता है। ओके -1 ये हो गया एलिमेंट 1, -2 हो गया मनीष, -3 हो गया 2 और -4 हो गया 1, और यदि 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, 0 का मतलब फर्स्ट एलिमेंट आगे से। ओके देखिए क्या गया, 1 आ गया ना दोस्तों, यदि -2 करते हैं आप देखिए क्या आएगा मनीष। ओके तो मैंने बताया इसमें स्लाइसिंग भी बता दिया कि स्लाइसिंग क्या कैसे लिस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं आप। अब चलते हैं टेबल पे, तो मैं चलता हूँ अब सीधे नोटपैड पे और मैं टपल TUPLE टपल डेटा टाइप तो देखिए दोस्तों लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, जो जैसे मैंने बताया था बाइट और बाइट्स अरे दोनों में क्या है फंक्शनैलिटी सेम है, लेकिन इसमें एक मुटेबल नेचर का होता है, बाइट जैसे क्या है इमुटेबल नेचर का है, और बाइट अरे क्या होता है वो म्यूटेबल नेचर का होता है। वैसे ही यहाँ पर लिस्ट क्या था, ये लिस्ट जो है ये किस नेचर का था, ये जो था नेचर का था वो था म्यूटेबल नेचर का था, और ये जो टपल है वो क्या है इम्यूटेबल नेचर का है, इम्यूटेबल म्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या है दोस्तों, ना इसमें मैं कोई वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आइटम असाइनमेंट कर रहा था देखिए यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, चलिए देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया था यहाँ पे LST इक्वल टू 1 2 3 ओके, और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें एक और ऐड कर दूँ, तो LST.append अपेंड कर दिया, और इसमें एक मैंने जोड़ दिया मनीष को, और मैं चाहता हूँ इसे प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट ऑफ LST, तो क्या हो गया एक जो मनीष नाम का जो स्ट्रिंग है वो इसमें लिस्ट के अंदर क्या ऐड हो गया, लेकिन ये जो है 1 minute 1 2 3 इसको मैं क्या रख देता हूँ LST.append ऑफ एक और ऐड कर देता हूँ साई को, साई या सत्या, सत्या को ऐड कर दिया, और मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ प्रिंट कर दे रहा हूँ प्रिंट ऑफ LST। ओके तो क्या यहाँ पे हो गया था, ये सत्या मनीष के बाद ऐड हो रहा था, देखिए यहाँ पे यहाँ पर ऐड हो गया, लेकिन ये जो है टपल के केस में नहीं होगा। अब टपल के केस में आप ना अपेंड कर सकते हो, ना रिमूव कर सकते हो, ना आइटम असाइनमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे यदि आप चाहते हो कि LST का 0 इंडेक्स पे यदि वैल्यू 100 हो जाए, 100 इंसर्ट हो जाए, और यदि मैं प्रिंट करता हूँ किससे LST को, तो देखिए यहाँ पे क्या है 0 इंडेक्स पे ये जो 1 है वो क्या क्या इंसर्ट हो जाए 100 यहाँ पे चला जाए, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 100 आ गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आइटम असाइनमेंट भी होता है लिस्ट के अंदर, लेकिन ये जो केस है टप्पल केस में आइटम असाइनमेंट या अपेंड यदि वैल्यू को ऐड करना हो रिमूव करना हो ये सब जो ऑपरेशन होगा वो टप्पल केस में नहीं होगा। तो चलते हैं नोटपैड पे,
टपल क्या है? इमोटेबल नेचर का है। इसका मतलब क्या है? ना इसमें आइटम असाइनमेंट कर सकते हो, ना इसमें अपेंड कर सकते हो, ना इसमें रिमूव कर सकते हो। ये सब जो ऑपरेशन है वो टपल डेटा टाइप के अंदर नहीं होता है, लेकिन ये सेम है किसके? लिस्ट के। जैसे लिस्ट भी क्या होता है? लिस्ट भी है जो हेट्रोजीनियस वैल्यू को सपोर्ट करेगा। ओके, इसमें भी क्या होता है? सपोर्ट करेगा। और मैंने जो जो बताया था, देखिए यहाँ पे हेट्रोजीनियस इसमें भी अलाउड है, टपल के अंदर भी, डुप्लीकेट्स इसमें भी अलाउ है, लेकिन इसमें ग्रोवेबल इन नेचर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐड और रिमूव का जो है वो मैं कर पा रहा हूँ, ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहा हूँ, लेकिन टपल के केस में नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? इमोटेबल नेचर का है। ओके, और जो वैल्यू शुड बी इनक्लोज विद स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट किसके अंदर थीम होता है? वो लिस्ट के अंदर होता है। इमोटेबल में जो हम यूज करते हैं वो हम ये करते हैं। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो इसका हम पहले डिफिनेशन लिख देता हूँ। टपल डेटा टाइप इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट लिस्ट डेटा टाइप एक्सेप्ट व्हाट। मैंने क्या बताया कि वो किस मुटेबल नेचर का था? ए क्या था? इम्यूटेबल नेचर का है। एक्सेप्ट दैट इट इज इम्यूटेबल। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? बी कांट चेंज वैल्यूज। ओके, अब देखिए दोस्तों, इसको मैं अब प्रोग्राम के अंदर, कोड के अंदर मैं बताता हूं कि कैसे ये इसमें वैल्यू को हम असाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए क्या है? इम्यूटेबल है। तो चलते हैं सबसे पहले पहचान मेडिटर पे। अब देखिए, ये जो मैंने लिस्ट यहाँ पर क्रिएट किया था ना, इसको मैं बना देता हूँ अब टपल। तो टपल के लिए मैंने ए सिंबल यूज करूंगा। देखिए ए यूज कर दिया। अब देखिए क्या है, सबसे पहले मैं तो इसे मैं देखता हूँ कि ये किस टाइप का है। तो प्रिंट ऑफ क्या कर देंगे? टाइप। टाइप मैंने बताया ना, बिल्डिंग फंक्शन किसके लिए, कि वो किस टाइप का है वो बताने के लिए यूज होता है। टाइप ऑफ व्हाट यहाँ पर लिख दो आप, यदि आप टपल कर रहे हो तो यहाँ टीयूपी कर दो, क्योंकि ये लिस्ट के लिए मैंने ऐसे ही वेरिएबल लिया था, टप कर दो यहाँ पे। लिस्ट ऑफ व्हाट टीयूपी। देखो इसको रन करोगे तो क्या दिखाएगा? ये किस टाइप का है? टपल टाइप का है। देखो किस टाइप का है? टपल टाइप का है। ओके, और इसमें यदि आप चाहते हो कि हम क्या करें कि वैल्यू को चेंज कर दें, जैसे टीयूपी, तो ये क्या होगा? ये क्या नेचर का? इमोटेबल नेचर का। इसका मतलब आप नहीं कर सकते हो। ओके, टीयूपी ऑफ व्हाट, इसमें क्या चाहते हैं हम कि यदि वन वैल्यू, वन पे, यदि जीरो इंडेक्स पे, यदि हम क्या चाहते हैं कि वन की वैल्यू को हम 100 कर दें, तो इस केस में होगा कि नहीं होगा? बस इसे इसे हमें क्या करना है? चेक करना है। तो ये मैं करता हूं और ये देख लेता हूं टैप, जैसे टैप है, इसमें मैं अपेंड कर देता हूं। अपेंड ऑफ व्हाट, यदि मैं चाहता हूं कि 100 या मनीष स्ट्रिंग को ऐड कर दूं, इसमें लिखिए टैप डॉट अपेंड, जिसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? इमोटेबल है, तो ये क्या जाएगा? एरर दे देगा। देखिए क्या रहा है, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। इसका मतलब क्या है? ये जो है इसमें फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है? इमोटेबल नेचर का है। ओके, और इसमें आप रिमूव भी नहीं कर सकते हो। देखो रिमूव ये आप नहीं कर सकते हो। देखो ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? देखो टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिमूव। ओके, और यदि आप चाहते हो कि जो टीयूपी है, मैंने क्या बताया अभी, इसकी वैल्यू को चेंज करना, जैसे टीयूपी ऑफ व्हाट जीरो इंडेक्स पे क्या हो जाए? 100 हो जाए, और मैं प्रिंट टप को कर दे रहा हूं टीयूपी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, आइटम असाइनमेंट कर रहा हूं, किस पे? जीरो इंडेक्स पे, इस टपल के अंदर। तो क्या हो जाएगा? एरर अकर करेगा, क्योंकि यह क्या है? इम्यूटेबल है, तो इसमें आइटम असाइनमेंट भी नहीं होगा। देखो आप जा रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि ये क्या किस नेचर का है? इम्यूटेबल नेचर का है। तो मैंने दोस्तों बताया आज के इस लेक्चर में कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, और मैंने ये भी बताया आपको बाइट और बाइट्स एरे का भी मैंने प्रीवियस क्लास का रिविजन किया। और मैं अब चलता हूँ एक और डेटा टाइप, रेंज डेटा टाइप, रेंज डेटा टाइप। देखिए रेंज डेटा टाइप क्या करता है, इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ मैं आपको। रेंज
data type represents a sequence of numbers. अब समझिए इसको क्या होता है. रेंज का मतलब क्या है, यदि हम चाहते हैं कि 10 जीरो ये जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक प्रिंट करे, तो हम एक रेंज दे देंगे कि कहां से कहां तक प्रिंट हो, ये जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो और कहां तक हो, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्स तक प्रिंट हो. तो इसके लिए एक डेटा टाइप दिया हुआ है, रेंज डेटा टाइप, किसके अंदर, पाइथन के अंदर. तो हम सीधे चलते हैं प्रोग्राम के अंदर और इसको डायरेक्ट कोड करके ही समझ लेते हैं कि क्या है. इसको मैं इरेज कर देता हूं. जैसे एक बना लेता हूं रेंज, जैसे रेंज एक जो डेटा टाइप है उसके अंदर मान लेता हूं मैं कि ये स्टार्ट विथ 10 और एंड विथ 20. मींस जो रेंज ये स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से, और कहां तक एंड हो रहा है, 20 तक. ये इसका इनिशियल स्टेज है और ये क्या है, फाइनल है. और इसको मैं प्रिंट कर दे रहा हूं. ओके, फॉर आर इन, फॉर आई इन, आई एक वेरिएबल ले लिया और ये जो आर है क्योंकि इसी में तो रेंज किए हैं कि 10 टू कहां तक हो, 20 तक हो. फॉर आर इन, फॉर आई इन आर, और मैं प्रिंट क्या कर दूं, प्रिंट कर देता हूं आई को. ओके, अब देखिए इसको रन करवाते हैं. तो दोस्तों क्या आया, देखिए यहां पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. तो यह स्टार्टिंग विथ 10 और एंडिंग विथ n माइनस 1, 20 रहेगा तो कहां तक आएगा, 19 तक. लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, ये 10 विथ, मींस स्टार्ट विथ 10 और एंड्स विथ ये जो रहेगा n माइनस 1 कर देंगे. ओके, अब देखिए ये तो 10 से 20 प्रिंट करना है तो ये प्रोग्राम हो गया. यदि हम 1 टू 11 करना है तो 1 टू 11 करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहां पे 12 दे देंगे, 12. अब देखिए 1 टू, देखिए यहां पे कहां तक प्रिंट किया, 11 तक. यदि हमें 10 तक प्रिंट करवाना है, 9 तक प्रिंट करवाना है, 10 देंगे. देखिए आ गया ना 1, 2, 3, 4 कहां तक, 9 तक, 10 तक. यहां पर जो डेस्टिनेशन देंगे 10 देंगे तो वहां कहां तक प्रिंट करेगा, 9 तक. यदि 100 देंगे तो 99 तक प्रिंट करेगा. ओके, और मैंने क्या किया, फॉर आई इन, आई नाम का वेरिएबल लिया क्योंकि ये जो मैंने बताया था लूप में क्या होता है कि जो इंडेक्स स्टार्ट करता है वेरिएबल का लूप में वो 0 से करता है. तो 0 में गया तो सबसे पहले इसको मिला क्या, 1 मिला, प्रिंट कर दिया 1 को. अब इन आर तो ये क्या है, रेंज आर के अंदर ये रेंज स्टोर हुआ है. फिर आई को इंक्रीमेंट कर दिया तो 0 से 1 हुआ, तो 1 पे क्या मिला, 2 मिला, प्रिंट कर दिया. फिर उसको क्या मिला, 3 मिला, फिर भी प्रिंट कर दिया. ओके, अब हम क्या चाहते हैं, देखिए ये तो हो गया ये, और हम चाहते हैं कि 2 के अंतराल में प्रिंट हो, जैसे 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे प्रिंट करें. तो मैं क्या कर दूंगा, कॉमा 2. देखिए ये जो है ना 10 से 20, 10 और 20 के बीच में दो अंतराल कितने का हो, दो दो का अंतराल हो, जैसे 10, 12, 14, 16, 18, 20. तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले दिस दे देंगे जहां से हमको चलना है और कहां तक चलना है, डेस्टिनेशन 20 तक चलना है, और अंतराल कितना होना चाहिए, 2 का अंतराल होना चाहिए. तो देखिए क्या प्रिंट करेगा, 10, 12, देखिए क्या प्रिंट आ रहा है, 10, 12, 14, 16, 18. ओके, और यदि यहाँ पर हम देते हैं 3, तो 3 का अंतराल करेगा, मीन 10, 13, 16, देखिए 10, 13, 16, 19. इसका मतलब क्या है, जो ये 20 है डेस्टिनेशन पॉइंट है उससे कम ही करेगा. ओके, और यहाँ पर 4 करते हैं, देखिए 4 करते हैं तो 10, 14, 18, 10, 14, 18. और यहाँ पे करते हैं, मान लेते हैं 1, यहाँ पे कर देता हूँ 5. देखिए 10, 15 दो ही करेगा क्योंकि 20 के पीछे वाला डिजिट तक ही प्रिंट करेगा, 19 तक ही. तो 19 तक जो भी मिलेगा बस उसी को प्रिंट करेगा. तो मैंने रेंज डेटा टाइप में बताया कि रेंज का हम यूज कैसे करते हैं. ओके, जैसे हम स्टार प्रिंट कर देते हैं तो वहां पे नहीं होता था 10, 12, 14, 16. तो जो सी था उसमें कोई रेंज नाम का कंसेप्ट नहीं था, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता था, यूजर डिफाइंड कोड करना पड़ता था. लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक डेटा टाइप दिया हुआ जिससे आप इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो. ओके, अब एक और दोस्त है, लिख देता हूँ बुलेट पॉइंट में कि जो रेंज डेटा टाइप होता है, रेंज जो डेटा टाइप है, टाइप डज नॉट, या रेंज ऑब्जेक्ट कर दो, क्योंकि एनीथिंग इन पाइथन क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है. डज नॉट सपोर्ट आइटम
असाइनमेंट। ओके, इसमें भी क्या कर सकते हो, आइटम को असाइन नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो दोस्तों, यहाँ पे मैं देखूंगा कि रेंज इसका जीरो का रेंज क्या है, तो दिखा देगा कि जीरो जो रेंज है वो 10 है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट आई, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए अब आर का जीरो का देखना है, देखिए जीरो, और इसमें मैं चाहता हूँ कि 100 को डाल दूँ, एरर अकर कर देगा। देखिए क्या गया, अरेंज ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब क्या है, इमुटेबल नेचर का है, इसमें आप आइटम को असाइन नहीं कर सकते हो। ओके, तो बस यही चीज़ को मैं बताना चाह रहा था कि जो रेंज होता है वो क्या, इमुटेबल नेचर का, इसमें वैल्यू को आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैंने बताया आपको 3 डेटा टाइप, महत्वपूर्ण डेटा टाइप, लिस्ट, टपल और व्हाट, रेंज। तो जो मेरा अगला जो क्लास रहेगा दोस्तों, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसमें मैं बताऊंगा सेट, ट्रोजन सेट और डिक्शनरी। उसके बाद क्या हो जाएंगे, डेटा टाइप एंड हो जाएंगे। तो मैं लेक्चर को एंड करता हूँ।